नोएडा में प्रस्तावित यूपी की फिल्म सिटी को लेकर उद्धव और योगी सरकारों के बीच जुबानी जंग लगातार तेज हो रही है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे द्वारा एतराज जताए जाने के बाद यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा है कि ना तो मुंबई शिवसेना की है और ना ही महाराष्ट्र। ऐसे में यूपी की फिल्म सिटी को लेकर उद्धव ठाकरे के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नोएडा में फिल्म सिटी बना रही है, शिवसेना को बड़ी आपत्ति है और उद्धव ठाकरे जी ने ये कहा है कि हम जो है छीन कर नहीं ले जाने देंगे। देखिए श्री उद्धव ठाकरे जी को यह मैं बताना चाह रहा हूँ, न मुंबई शिवसेना की है, महाराष्ट्र शिवसेना का है और न उत्तर प्रदेश शिवसेना का है या कांग्रेस का है न एनसीपी का है। अगर नोएडा में फिल्म सिटी बन रही है तो मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि उद्धव जी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। नोएडा की फिल्म सिटी इसलिए बना रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रतिभाएं हैं और उनको अलग अलग स्थानों पर जा करके अपनी प्रतिभा को प्रकट करना पड़ता है। मुंबई फिल्म सिटी का ट्रांसफर नहीं करा रहे, हम नई फिल्म सिटी बना रहे हैं और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आने वाले समय में यहां बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड हो चाहे छोटे पर्दे के कलाकार हों, सबका एक विश्व स्तरीय मंच बन जाएगा और उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में फिल्म के क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और शिवसेना केवल घबरा रही है, तिलमिला रही है और उनको यह भी मैं बताना चाहता हूं कि शिवसेना से बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी। ये दिल्ली बॉर्डर पे किसानों का धरना लगातार जारी, गतिरोध बना हुआ है, भारी संख्या में किसान जमे, तो कोई सलूशन इसका कब तक करें? देखिए उसमें हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो है लगातार बात कर रहा है। मुझे लगता है कि किसान भाइयों को गुमराह करने का जो प्रयास किया गया है अब किसान भाई सच्चाई समझ रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा विरोधी राजनीतिक दल और उनके नेताओं ने जिस प्रकार से किसानों को गुमराह करने, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं जानता हूँ नए कृषि कानून के माध्यम से किसानों का भला ही भला होने वाला, कोई नुकसान नहीं होने वाला। और मैं किसान भाइयों से अपील भी करता हूँ कि वो कृपा करके आंदोलन वापस लें, क्योंकि मोदी जी ही किसानों के, गरीबों के, पिछड़ों, दलितों, कमजोरों के हितैषी हैं। कांग्रेस जन्मजात किसान विरोधी है, कृषि विरोधी है, धोखेबाज पार्टी। गौरतलब है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नोएडा में फिल्म सिटी बनाने के निर्देशों के बाद फिल्म सिटी का काम बहुत तेजी से चल रहा है। खुद मुख्यमंत्री हाल ही में मुंबई के दौरे पर गए थे, जिसके बाद से ही शिवसेना और बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट।